चेताना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को कि जाग जाइए यहाँ आपके साथ अगले पांच साल यही होने वाला ये साफ बताता है कि इन लोगों को ब्राह्मणों से कितना द्वेष है क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं उनको ब्राह्मणों की वजह से आप सरकार में आए एनबीटी की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक भाजपा का एनबीटी की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया कि तीन साल में 500 ब्राह्मणों की हत्या हो गई सीधा, सीधा कहूंगी मुख्यमंत्री जी को ब्राह्मणों से गुरेज है आज तो उत्तर प्रदेश में मैं ब्राह्मण हूँ मुझे भी डर लगता है पता नहीं किस दिन, किस दिन बात पे हम लोगों के ऊपर ना अटैक होंगी ब्राह्मण बेटी आपसे कहना चाहती बार बार हिंदुस्तान के टुकड़े 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 नमस्कार मैं ज्योतिष चौहान योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से सीएम पद की शपथ ले ली है लेकिन अंदर खाने कई बातें ऐसी है जिसको जानना बेहद जरूरी है कई दिग्गज ऐसे नेता जिनके टिकट काट दिए गए जिसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उनका भी टिकट काट दिया गया हालांकि हारने के बावजूद भी केशव प्रसाद मौर्य दोबारा से उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो हमारे साथ डॉली शर्मा है, उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर शपथ जो ली है उनको लेकर देखिए पहले तो योगी आदित्यनाथ जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के में उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली है और दूसरी बात एक ब्राह्मण बेटी होने के नाते उनसे पूछना चाहूंगी कि योगी जी क्या दिक्कत है आपको ब्राह्मणों से आखिर आ, आखिर इतना ने ने कोई दिक्कत नहीं आखिर श्रीकांत शर्मा जी को आपने मंत्रिमंडल से क्यों हटाया हाँ। क्यों आपने दिनेश शर्मा जी को मंत्रिमंडल से क्यों हटाया हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं लेकिन दिनेश शर्मा नहीं बन सकते आपने ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया चुनाव में जीतने के लिए और जीतने के बाद आपके पूरे मंत्रिमंडल को उठाकर देख लीजिए आपने कितने ब्राह्मणों को तरजीह दी है वो आपका मंत्रिमंडल बताता है एक को एक मक, एक, मुख्य मन, एक एक व्यक्ति को आपने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उसको दरकिनार कर दिया देखिए दिनेश शर्मा जी की हालत ना घर के रहे ना घाट के रहे बिचारे ना टिकट पा पाए और न मंत्रिमंडल में जगा तो योगी आदित्यनाथ मैं उनसे बार बार पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी ब्राह्मणों से आपको क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की कई स्टेट्स में सरकार आई आप बताइए आप सूची देखिए ना कितनी लंबी सूची है हाँ। और उस उतनी लंबी सूची में ब्राह्मण देखिए कितने गिनती के दो चार पांच ब्राह्मणों को बना के आपने ये आप क्या क्या दे, क्या क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं उनको ब्राह्मणों की वजह से आप सरकार में आए हैं और ब्राह्मणों को इस तरीके से दरकिनार करें हम मानते हैं तीन साल योगी आदित्यनाथ जी के पहले कार्यकाल में तीन साल में ही 500 सौ हत्या हुई ब्राह्मणों की हत्या हुई जिस दिन इनका रिजल्ट आया जी इनकी भाजपा की सरकार वापस आई अगले दिन फिर एक ब्राह्मण की हत्या कर दी गई आप बागपत में देखिए मंदिर में ब्राह्मण संत वहाँ पर उनकी मृत्यु उनकी हत्या की हुई उनका उनका शव मिला तो आप देखिए ब्राह्मणों के साथ लगातार क्या हो रहा है और मैं तो चेताना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को कि जाग जाइए यहाँ आपके साथ अगले पाँच साल यही होने वाला है आपको फिर से तीन साल में पाँच सौ इस बार आप देखेंगे पंद्रह सौ ब्राह्मण क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार की सूची लंबी होती जा रही है और सरकार आने के बाद से फिर से ब्राह्मणों की हत्या शुरू कर दी गई है ये साफ बताता है कि इन लोगों को ब्राह्मणों से कितना द्वेष है क्या? ये लोग सिर्फ सिर्फ अपने प्रचार में सिर्फ ब्राह्मणों का इस्तेमाल करते हैं सरकार में आने के बाद और उसके बाद लगातार ब्राह्मणों की उपेक्षा करते हैं जाग जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को और मैं तो कहूंगी पूरे देश के ब्राह्मणों को अच्छा, क्या वजह लग रही है दिनेश शर्मा का टिकट कर्ट कटना क्योंकि कहा जा रहा था कि भाई केशव प्रसाद मौर्य जो है वो आ, बाहर हो सकते हैं मंत्रिमंडल से या फिर उनको उप मुख्यमंत्री ना बनाए कोई और मंत्री पद दिया जा सकता है लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया और जो रेस में लग रहा था कि आ सकते हैं उनको हटा दिया गया मैं तो सीधा सीधा कहूंगी मुख्यमंत्री जी को ब्राह्मणों से गुरेज है, है। आज तो उत्तर प्रदेश में मैं ब्राह्मण हूं मुझे भी डर लगता है पता नहीं किस दिन किस बात पे हम लोगों के ऊपर ना अटैक हो जाए क्योंकि लगातार जिस तरीके से ब्राह्मणों की हत्या हो रही है आप देखिए रिजल्ट आने के बाद कितने ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई है संत मंदिर में मरे हुए पाए जा रहे हैं तो दिनेश शर्मा जी के साथ भी मुझे तो लगता है कि यही दुर्व्यवहार हुआ है बिचारों के साथ पहले उनका इस्तेमाल किया गया केशव प्रसाद मौर्य जी हारने के बाद मंत्री बन गए और वो बेचारे मेहनत करने के बाद भी रह गए क्योंकि कहीं ना कहीं बेचारे ब्राह्मण थे अच्छा ये पिछले पाँच सालों में दो हजार सत्रह से बाईस की बात करें तो जिस तरीके से दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी ब्राह्मणों ने काफी विरोध किया और लगातार जगह जगह से खबरें आ रही थी कि भाई बीजेपी ये चाहती है कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए ब्राह्मण सभा की जाए ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को जोड़ा जाए और ये सब मतलब काफी युद्ध स्तर पर बीजेपी ने किया उसके बावजूद भी हटा दिया गया मैंने बोला ना आपको मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी की ब्राह्मण विरोधी सोच है कि ब्राह्मणों को आगे नहीं आने देना चाहते क्योंकि बुद्धिजीवी होता है ना ब्राह्मण वो आपकी हर बात में यस नहीं कर सकता और इनको यस मैन चाहिए आप देखिए देश में दो और उत्तर प्रदेश में एक इन्हीं लोगों की तो तो चल रही है कहीं तो कहीं ना कही दिनेश शर्मा जी से इन्हें खतरा होगा इसलिए नहीं बनाया नहीं तो ब्राह्मणों की आवाज तो बीजेपी उठा रही है अभी कश्मीरी पंडितों की लगातार जो है वो बात चल रही है वो फिल्म दिखाया जा रहा है लगातार कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों की हम मदद करेंगे ब्राह्मण हमारे कश्मीरी पंडितों की को के लिए जो पिक्चर बनी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि देश में कभी भी इतिहास में किसी एक पार्टी ने कभी किसी पिक्चर के पोस्टर नहीं लगाए कभी नहीं लगाए तो सीधा सीधा चुनाव का एजेंडा समझ में आ रहा है अगर आपको कश्मीरी पंडितों से इतना लगाव था तो आप आठ साल से सरकार में हैं सेंटर में आपने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए आपने कितने मकान बनाए चार हजार के करीब मकान बनाकर मनमोहन सिंह जी ने वापस कश्मीरी पंडितों को बसाया था आप बताइए मोदी जी ने कितने मकान बनाए कितनी सुविधाएं दी कश्मीरी पंडितों को पिक्चर का आप हवाला देकर एक कोई पिक्चर आप बनाकर ले आते हैं फेक एजेंडा पे फेक एजेंडा पे जिसमें आधी चीजें झूठ है उस, उसको आप ले आते हैं और आज आज ध्रुवीकरण करने की आप प्रयास कर रहे हैं अगर आपको इतना लगाव है कश्मीरी पंडितों से तो आप उनको बसाने का काम करते आप लोगों को दूर करने का काम कर रहे हैं उनके दिमाग से और उनकी भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं आप कश्मीरी पंडित मैं खुद ब्राह्मण हूँ मुझे दुख है हमारे भाइयों के और बहनों के और परिवारों के साथ ये हुआ लेकिन आपको उन्हें बसाने का काम करना चाहिए था उन्हें सुविधाएं देने का काम करना चाहिए था आपने क्या किया उनके लिए आप आज उनका इस्तेमाल कर रहे हो आप एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हो आप उनके लिए सुविधाएं लाइए उनके लिए रोज़गार के तरीके लाइए उनको और बसाने का काम कीजिए हम समझेंगे आपको संवेदना है आप आपने देखा मुसलमान भी मरा हिंदू भी मरा ब्राह्मण भी मरा सिख भी मरा आप सबके लिए काम कीजिए ना आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं आप क्यों देश को बांट कर राजनीति करना चाहते हैं बार बार कांग्रेस यही कहती है बार बार हमारा सनातन धर्म ये कहता है वसुदेव कुटुंबकम सबको साथ लेकर चलो सबको साथ लेकर चलना यही तो हमारे देश की संस्कृति है विभिन्नता में एकता के लिए भारत जाना जाता है आप बार 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 हिंदुस्तान के टुकड़े 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 करना चाहते हो असल में टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप हो जो देश को बांट के आप लोगों ने देश का ये हाल कर दिया रोज लोगों के बीच में आप जहर घोलते हो रोज लोगों के बीच में एक नए जहर घोलने का तरीका आप इजाद करते हो और वो लोगों के बीच में आज फैला देते हो देश में कभी किसी ने देखा था कोई पार्टी पोस्टर लगा रही है किसी पिक्चर का और अगर भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है तो एक एजेंडे के तहत कर रही है जहाँ जाकर हॉल की पूरी टिकटें खरीदी जा रही हैं वहाँ लोगों को बिठाया जा रहा है पिक्चर देखने के लिए पिक्चर के व्हाट्सएप मैसेजेस ग्रुप्स में भेजे जा रहे हैं तो आप असली दिखाइए ना कि उन्नीस में इक्यानवे में, में किसकी सरकार थी ये असलियत दिखाइए आप कौन थे गवर्नर ये असलियत दिखाइए आप और जब ये हुआ तो आपने जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ली किसकी जिम्मेदारी थी अगर आपकी सरकार में ये हुआ तो किसकी जिम्मेदारी थी वो, वो जिम्मेदारी आपने निभाई वो जिम्मेदारी आपने मानी क्या किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी या वीपी सिंह सरकार ने किसी एक नेता या मंत्री ने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है कश्मीर में पंडितों के साथ ये हो गया किसी ने नहीं कहा लोग माफी जे, जेल में इन्होंने माफियां मांगी अंग्रेजी सरकार से लेकिन देश के लोगों से ये माफी नहीं मांगते क्योंकि देश के लोगों को सिर्फ ये किसानों से मांग तो ली माफी कौन सी माफी आप देखिए किसानों को क्या दे दिया हाँ। आज किसान फिर से आंदोलन करने के लिए सोच रहा है आज फिर से क्योंकि किसानों को झूठे हाँ झूठे प्रलोभन देकर इन्होंने धरने से उठाया ताकि इनके ये पांच राज्य के चुनाव हो चुके हो के खत्म हो जाए आप आज देखिए फिर से फिर से क्या किया किसान फिर से धरने करने के लिए आमादा है तो योगी सरकार मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को देश को हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों को बांटना चाहती है और बांटकर राजनीति करना चाहती है वो कह रहे हैं कि भाई एनबीटी की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक भाजपा का ये कहना है कुछ और बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं एनबीटी की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया कि तीन साल में पांच ब्राह्मणों की हत्या हो गई योगी सरकार में ये रिपोर्ट नहीं दिखाते ये लोग ये रिपोर्ट नहीं दिखाते ये जो लोग ब्राह्मण विरोधी मानसिकता लेकर चलते हैं वो ब्राह्मणों के बारे में अच्छा सोच कैसे सकते हैं मैं तो नहीं मानती और मुझे तो यकीन भी नहीं है अभी आप आगे आगे देखिए अभी तो सरकार आने के बाद ही कितने ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है तो ये देखिए इनकी इनकी ब्राह्मण विरोधी मानसिकता है रोज रोज दिखती है अच्छा ये जिस सीट पे इस वक्त हम खड़े हैं उस सीट के विधायक को भी सबसे ज्यादा एशिया में वोटों से यूपी की जनता ने जिताया है उसके बाद भी ब्राह्मणों पर भी सवाल मतलब लगातार उठ रहा है आप देखिए सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली इससे बुरा क्या होगा उनके साथ लगातार दो बार यहाँ से विधायक रहने के बाद आ, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने के बाद आ, अगर सुनील शर्मा जी को भी एशिया में सबसे एशिया में तो उसके बाद भी सुनील शर्मा जी को अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही तो आप समझ जाइए इनकी ब्राह्मण विरोधी मानसिकता है साफ दिख रही है ब्राह्मणों के उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को जाग जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने नारायण तिवारी जी के बाद कांग्रेस की सरकार के बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में देखा नहीं है तो चापलूसी करना बंद करें मेरे ब्राह्मण भाई इन लोगों की क्योंकि आपको ये सत्ता में नहीं रखेंगे आपको सत्ता में लाना ही नहीं चाहते आपको आपको ये सिर्फ इस्तेमाल करके आदित्यनाथ कहते हैं बाईस करोड़ मेरा परिवार है पूरा तो इनका परिवार अभी जब लोग मरे किसी भी एक जो ब्राह्मणों की इतनी हत्या हुई उसके बाद अब सरकार बनने के बाद दोबारा वापस हत्याएं हो रही हैं आपने कहीं एक बार योगी आदित्यनाथ जी को खेद प्रकट करते देखा कि उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि ये हो गया उन हत्यारों के ऊपर कब बुलडोजर चलाएंगे योगी आदित्यनाथ जो ब्राह्मणों की सवाल गया। पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आ, जो अपराध करने वाले कोई धर्म नहीं होता अच्छा हाँ। और जो अभी बागपत में संत की हत्या कर दी गई उस अपराधी को कब पकड़ेंगे अभी जो इनके रिजल्ट आने के बाद हाँ। अगले दिन एक ब्राह्मण की हत्या कर दी उस अपराधी को कब पकड़ेंगे उस पर कब बुलडोजर चलाएंगे और ऐसे लोग जो स्पेसिफिकली टारगेट करके ब्राह्मणों को मार रहे हैं तो अगर योगी आदित्यनाथ जी को इतना ब्राह्मणों से लगाव है और इतना सब धर्म और जातियों से लगाव है तो योगी आदित्यनाथ जी को मैं इस, इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि एक ब्राह्मण बेटी आपसे कहना चाहती है कि ब्रह्म हत्या जो लगातार हो रही हैं उस पर कब एक्शन लेंगे और कब उन हत्यारों पर बुलडोजर चलाएंगे चला सकते हैं तो बताइए अगर नहीं चला सकते तो झूठे फरमान जारी करना बंद कर दीजिए ब्राह्मणों को बरगलाना बंद कर दीजिए आप सिर्फ ब्राह्मणों का इस्तेमाल करना जानते हैं और जो आप लगातार करते हैं चुनाव में करते हैं अगर आप नहीं करते तो ब्राह्मणों को एक सम्मानजनक जगह मिलती उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में या मैं कहती हूं भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार आई आपने कहीं ब्राह्मण मुख्यमंत्री देखा होता वो नहीं देखेंगे आप क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मण विरोधी मानसिकता है हमारी शाह डॉली शर्मा थी जो कि हमेशा बेवाक तरीके से अपनी बात को रखती हैं फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बन चुकी है लेकिन ब्राह्मण के चेहरे पर लगातार सवाल उठ रहा है और लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई दिनेश शर्मा को आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है हालांकि ये देखने वाली बात है आज क्या कुछ होने वाला है जो भी हो, होगा लगातार आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए नमस्कार